हाय फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है चाट, यानी कि हम पापड़ी चाट बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम मटर लिए हैं। मटर हम व्हाइट वाले लिए हैं, जो कि हम रात भर भिगोने के लिए दे दिए थे। तो देखिए, अच्छी तरह से ये भीग गया और फूल भी गया अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक हम आलू लिए हैं, जिसे हम छोटा पीस में काट लिए हैं। तो फ्रेंड्स, बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाट कैसे बनता है। यहाँ पे हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें सारा मटर हम डाल देंगे और इसे हम उबालेंगे और साथ में हम आलू भी डाल देंगे। यहाँ पे हम पानी भी डालेंगे। और आधा चम्मच हम यहाँ पे नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक कभी इस टाइम नहीं डालना है। और इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 3 से 4 सीटी आने देंगे। तो देखिए, मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और ये परफेक्ट पका है। ऐसा ही चाहिए हमें मटर। यहाँ पे हम एक कढ़ाई लिए हैं, उसको गर्म करने के लिए दे दिए हैं। उसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच डालेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम जीरा डालेंगे और साथ में ही हम एक लाल मिर्च और तेजपत्ता डाल देंगे। यहाँ पे हम 4 प्याज लिए हैं, उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। प्याज को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम 1/2 चम्मच ला नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम प्याज को पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हल्दी हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। इसे बीच बीच में हम ढक कर पकाएंगे ताकि हल्का सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। देखिए, हल्का सॉफ्ट हो गया। तो इस टाइम हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो आदी का भी पेस्ट डाल सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो, पर यहाँ पे हम लहसुन का पेस्ट सिर्फ डाले हैं। प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया है तो यहाँ पे हम टमाटर काट लिए हैं, 3 टमाटर नॉर्मल साइज का काट लिए हैं, उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये भी अच्छी तरह से साथ में पक जाएगा। टमाटर और प्याज अच्छी तरह से पकाना है यहाँ पे हमें और इसे हम ढक कर पकाएंगे। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है तो यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 2 बड़ा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और 2 छोटा चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ऐसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और मसाला अच्छी तरह से ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे।
देखिए यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और अच्छा कलर भी आया है और प्याज टमाटर भी पक गया है, ये परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम मटर जो भी उबाल के रखे थे वो यहाँ पे हम सारा डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे थोड़ा देर। आपको यहाँ पे पानी की कमी हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मेरा परफेक्ट है। इस टाइम यहाँ पे हम एक छोटा चम्मच हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए छोला अच्छी तरह से पक गया है और देखने में कितना टेस्टी और अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसे हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम एक बर्तन में निकाल लिए हैं ताकि हमें चाट बनाने में आसान होगा। तो यहाँ पे हम एक प्लेट लिए हैं और इसमें हम 4 से 5 चम्मच हम छोला लेंगे और अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में छोला। अब यहाँ पे हम पापड़ी डाल देंगे, ये पापड़ी चाट है तो पापड़ी तो डालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 हम पापड़ी डाल देंगे अच्छी तरह से क्रश कर, जिससे कि टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ अब इस पे हम प्याज डालेंगे। टमाटर हम यहाँ पे कुछ हम डाल देंगे जो कि काट के रखे थे अच्छी तरह से बारीक कटा हुआ। और यहाँ पे चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा इमली का पानी डालेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 से 4 बूंद हम लेमू का रस डालेंगे। इसमें उसके बाद इसमें जाएगा दही जो कि और भी टेस्ट बढ़ा देगा चाट का। तो यहाँ पे हम दही डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टमाटो सॉस डालेंगे। आप चाहें तो मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, इमली का मीठी चटनी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम टमाटो सॉस डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें भुजिया डालेंगे, अच्छी तरह से इसे डाल देंगे भुजिया, और ऊपर से हम काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे और यहाँ पे चाट मसाला तो जरूर है क्योंकि चाट बन रहा है तो चाट मसाला तो जरूर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे हम साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी और यमी बना है चाट, पापड़ी चाट। आप इस तरह से बनाइए और दम लग रहा है ना ठेला जैसा चाट, दम रगड़ा चाट। तो आप भी इस तरह से बनाइए चाट, अपने फैमिली को खिलाइए और देखकर तो आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा। तो ज़रूर बनाइए, जाके स्टार्ट कीजिए आप भी इस तरह से। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फैमिली और दोस्त के साथ, क्योंकि वो भी तो चाट खाएंगे। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।